माँ के संघर्ष की कहानी। 22 साल का जवान लड़का बाजार जा रहा था। आज उसके जीवन की पहली कमाई यानी कि उसकी पहली सैलरी आई थी। अपनी पहली कमाई से वो अपनी माँ के लिए चप्पल खरीदना चाहता था। बाजार में एक अच्छी सी चप्पल की दुकान देखकर वो उसके अंदर गया और दुकान वाले से कहा, सेठ जी, लेडीज़ के लिए एक जोड़ी अच्छी सी चप्पल दिखाइए। दुकान वाले ने लड़के को चप्पल का नाप पूछा तो लड़के ने कहा, उसे पैरों का नाप तो नहीं पता है, लेकिन उसके पास उसकी माँ के पैरों की एक आकृति है। और पूछा कि क्या वह इस आकृति को देखकर उसके हिसाब से सही चप्पल की जोड़ी दे सकते हैं या नहीं। दुकान वाला लड़के की बात सुनकर आश्चर्यचकित था। दुकान वाले ने कहा कि जेड, हमने कभी भी इस तरह आकृति के हिसाब से चप्पल नहीं बेची है, और भला कोई आकृति दिखाकर चप्पल क्यों खरीदेगा। तुम अपनी माँ को यहाँ लेकर उनके पैरों का नाप क्यों नहीं दे देते। लड़के ने कहा, वह शहर में रहता है और उसकी माँ बहुत दूर गांव में। उसकी माँ ने जीवन में कभी चप्पल नहीं पहनी है, फिर भी उसने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं। मैं जब घर से नौकरी के लिए निकला था तब मैंने ये तय कर लिया था कि अपनी पहली तनख्वाह से सबसे पहले माँ के लिए चप्पल लूँगा। इसलिए उनके पैरों की आकृति इस पेपर में बना ली। लड़के ने एक सफ़ेद कागज़ में बनी पैरों की आकृति दुकान वाले को दिखाते हुए कहा। लड़के की बातें सुनकर दुकान वाले की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने तजुर्बे के हिसाब से आकृति को देखकर योग्य माप के चप्पल उस लड़के को दिए। दुकान वाले ने एक और चप्पल उसी माप की उस लड़के को देते हुए कहा कि अगर माँ की चप्पल टूट जाए तो यह दूसरी चप्पल दूसरे बेटे की तरफ से उन्हें दे देना। लड़का भावुक हो गया और उसने चप्पल के पैसे चुकाए और चप्पल के दोनों जोड़ी लेकर जाने लगा। तभी पीछे से दुकानदार ने लड़के को रोकते हुए पूछा कि क्या वह पेपर में बनी पैरों की आकृति उसे दे सकता है। लड़के ने दुकानदार को अपनी माँ के पैरों की आकृति बनी वह पेपर दिया और वहाँ से चला गया। दुकानदार ने चित्र को अपने दुकान में बने देवघर में रख दिया। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ये देखकर हैरान थे। उन्होंने दुकानदार से पूछा, उन्होंने किसी महिला की पैरों की आकृति को भगवान के मंदिर में क्यों रखा। दुकानदार ने कहा, यह किसी साधारण महिला के पैरों की आकृति नहीं है, यह एक बहुत ही महान माँ के पैरों की आकृति है, जिसने इस लड़के का इतने अच्छे संस्कारों से पालन पोषण किया है। इस लड़के की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता और मुझे भरोसा है कि इन पैरों की कृपा की वजह से हमारी दुकान भी हमेशा हरी भरी रहेगी और दुकान अच्छी चलेगी। दुनिया में माँ हर किसी की होती है, बिना माँ के जीवन संभव नहीं है, लेकिन बहुत कम खुश नसीब लोग होते हैं जो माँ का महत्व समझते हैं और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया माँ के लिए एक लाइक कर दें।